जी आगे आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं गुलिस्तानी जौहर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को कपड़ों के अलग हैं और हर चीज के अलग अलग टोकन हैं यहाँ पर जो लोगों को दिए जा रहे हैं। और ये हम मौजूद हैं एवरेस्ट स्कूल के अंदर, आए मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिलसिला है। अब जिन लोगों ने मैसेज किए इनको दिखाएं जरा किस तरह से, जब लोग आपको मैसेज करते हैं आप उनको कोड कैसे भेजते हैं, दिखाएं दिखाएं मैसेज खोलें। देखें यहाँ पर कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं सारी, और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग कर रहे हैं अपनी सारी चीजें, उसके बाद उनको शॉपिंग के बाद यहाँ पर पूरियाँ तैयार हो रही हैं, प्ले लैंड है और उसके बाद आलू है और क्या है भाई, देख में दिखाएंगे हलीम है देखें भाई, और ये सब चीजें पार्सल भी तैयार हो रही हैं। और क्या सिलसिला है मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं अंदर लेकर चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आए आए देखें यहाँ सब बच्चों सब कुछ फ्री है जो कुछ चल रहा है। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोग देखें, पूरे पाकिस्तान में तमाम जितने भी स्कूल के इंतजामिया आप सारे साल प्राइवेट स्कूल वाले लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं आप लोग, अगर आप लोग भी इसी तरह कुछ कर दें अपने इलाके के उन लोगों के लिए जो ईद नहीं मना सकते। ये है भाई फ्री ईद मॉल क्लॉज गर्ल टीम। अब भाई यहाँ पर भाई बच्चियों के कपड़े हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज यहाँ आई हुई हैं और अपने अपने पसंद के कपड़े पसंद कर रही हैं। ठीक है हाँ हाँ दिखाएं, आ रहा हूँ देखें भाई ये आ गया हटना भाई, ये आ गया बॉयज का सेशन और मैं यहाँ भी आपको किसी की शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ बॉयज़ के कपड़ों की खरीदारी चल रही है। देखिए बच्चों के जूते उन्होंने खरीदे, चले भाई अच्छा हो गया, यहाँ कोई नहीं है। देखें जूतों का पोर्शन आ गया, यहाँ हर तरह के बच्चों के जूते हैं, बच्चे आएंगे अपने साइज के जूते जो भी हैं वो यहाँ से खरीद लेंगे। अच्छा अब उसके बाद मैं आपको लेके एक ये फुटवेयर बॉयज़ का आ गया, यहाँ पर बच्चे आएंगे जो बड़ी एज के हैं वो अपनी साइज के जूते चप्पल पसंद करेंगे और वो लेके चले जाएंगे। इसी तरह से भाई तरफ से इसी तरह से वो है छोटी बच्चियों का, ये भी छोटी बच्चियों का है, आराम से मैं किसी की शक्ल नहीं दिखा रहा। ये देखें यहाँ गुस्से वगैरह हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा मेरे भाई अब तो मुझे समझाओ, जब आपके पास मैसेज आता है देखिए ना फैमिलियाँ वहाँ पसंद कर रही हैं, आपको मैसेज आया कि भाई उनको एक चीज़ चाहिए, आप मैसेज किया, आपने उसके बाद क्या लिखा नंबर, हमने उनको मैसेज कर दिया किस टाइम पे आना है, कोड के नंबर नहीं दिखाना चाह रहा बस ठीक है, हम उनको हमको मैसेज करते हैं कि कपड़े चाहिए, उनको हम एक मैसेज करते हैं कि ये चीज़ें फिल करके भेज दें, वो हमें फिल करके भेजते हैं तो उसके रिप्लाई में हम उनको ये कोड भेज देते हैं, कोड टाइम डेट और कहाँ पे आना है ये बता देते ताकि बिजनेस भी ना आ जाए। कितना अच्छा निज़ाम है ये, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी की शक्ल नजर ना आए आपको, और फैमिली आ रही है यहाँ आके ईद की शॉपिंग कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, किसी को किसी किस्म का कोई पैसा रुपया कुछ नहीं देना। अब उसके बाद इधर आ जाओ यार, क्या क्या चीज़ें बताओ, ये क्या है, अच्छा चश्मे हो गए भाई, ये क्या है, बच्चों दिखाओ कैसे बुलाया जाता है। देखिए ये भी चीज़ें सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये देखें शाबाश। अच्छा ये क्या है भाई, ये वॉचेज हैं, टच वॉचेज हैं, ये भी सब फ्री है, सब फ्री है, ये पर्स भी फ्री है बच्चियों के, ये बारबी डॉल और ये सारा सिलसिला, साबुन आ गया है, अच्छा सही है। और उसके बाद फैमिलीज के लिए यहाँ खाने के लिए टेबल लगी हुई है, खाएं, क्या सिलसिला है, कब से कर रहे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 3 साल से हम ये चीज कर रहे हैं और आखिरी अशरे में सहरी और ये फ्री ईद मॉल का हम काम करते हैं। कराची में अगर हम बात की जाए, पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, तो कराची वो शहर है जो सबसे टैक्सेस ही पे कर रहा होता है, सबसे डोनेशन भी जो वही शहर दे रहा होता है पूरे मुल्क के लिए। कहीं जलजला आए तो कराची के लोग उठ के जाते हैं, कहीं सैलाब आए तो कराची के लोग उठ के जाते हैं, कहीं कोई आफत आए तो कराची के लोग उठ के जाते हैं। अगर सबसे पहला नाम लिया जाए तो अब्दुल सत्तार इजी का नाम है इस चीज़ में, उसके बाद अगर कराची का हर बच्चा हर नौजवान हर बड़ा हर बुजुर्ग अगर आज इस लाइन में लगा हुआ है चैरिटी के लिए दिन रात लगा हुआ है तो उसमें दूसरा नाम जफर अब्बास भाई का। जफर भाई आप प्लीज़, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप अपने इस मसरूफ टाइम में से हमारे पास हमारे लिए वक्त निकाल के लाए और हमारे वॉलंटियर्स की बड़ी हौसला अफजाई हुई इस चीज़ से। नहीं नहीं मैं देखें सबसे बड़ी बात ये, मैंने ये मैसेज देना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान को, देखें अगर खिदमत करना चाहें तो आइडियाज़ की कमी नहीं है। अगर आप बोलते हैं जी मेरे पास जगह नहीं है, मोहल्ले के पार्क में रख लें, ऐसे किसी बड़े ग्राउंड में रख लें, कम्युनिटी सेंटर में रख लें, कहीं भी रख सकते हैं, पूरे मोहल्ले के सब लोग मिलकर कुछ शादी हॉल एक दिन के लिए रेंट पे ले लें, कितने का मिलेगा, रमजानों में वैसे सारे शादी हॉल फ्री होते हैं। जौहर के अंदर कोई भी बंदा अगर चैरिटी काम करना चाह रहा है उसको जगह नहीं है, हमारे पास है, हमको जगह नहीं करके देंगे, हमारे पास जगह नहीं होगी हम कहीं और जगह नहीं करके देंगे इंशाल्लाह। मकसद क्या अपने लोगों की खिदमत करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बहुत शुक्रिया, देखिए ये मैसेज था, मैं एक बार फिर एवरेस्ट स्कूल की इंतजामिया का शुक्रिया तो करूंगा, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने शहर के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं और ये पूरा आइडिया आप तक ट्रांसफर भी कर रहे हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।